मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, आज मेरा रिजल्ट डे है। हैं सच में? अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। रुक, ये ले दही चीनी खा के जा। क्या है मम्मी, कुछ नहीं होता इन सब से, और आपको नहीं पता क्या मेरे को मीठी दही नहीं पसंद। अरे दही चीनी खाना बहुत शुभ होता है। कुछ ना होता, जा रही हूँ मैं। अच्छा सुन, तेरा बैग कहाँ है? अरे मम्मी बैग नहीं लेके जाते रिजल्ट डे वाले दिन, ऐसे जाते बिना बैग के। चल ठीक है, चल। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पास तो हो गई ना तू? पास नहीं हुई। पास नहीं हुई? हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि तू पास हो जाए, तू फेल हो गई। अरे मम्मी मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं फेल हुई, मैंने तो ये कहा है कि मैं पास नहीं हुई, बल्कि मैंने तो टॉप किया है। टॉप किया तूने? तूने पूरी क्लास में टॉप किया है? नहीं मम्मी, पूरी क्लास में नहीं, उससे भी ऊपर। उससे भी ऊपर? पूरे स्कूल में टॉप किया तूने? नहीं मम्मी, उससे भी ऊपर। पूरे मोहल्ले में टॉप किया है? मोहल्ले में भी नहीं, उससे भी ऊपर। ये उससे भी ऊपर क्या होता है बेटा, मुझे तो चक्कर आ रहा है। अरे मम्मी पूरे हरियाणा में टॉप किया है मैंने। क्या, तूने पूरे हरियाणा में टॉप किया है? हाँ, तभी तो मैं अपने घर जाने से पहले यहाँ आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे मेरे बच्चे आ जाए ना, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, खुशी के मारे ना नाचू। मम्मी आपको पता है मेरे इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, उन पे इतनी बड़ी बड़ी फोटो है और इतना बड़ा बड़ा नाम छपा हुआ है। मुझे ना पता था कि तू ना टॉप करेगी, इसलिए ना मैं पहले ही लड्डू ले आई थी। देख लिखा, मेरे को भी खिला दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, ले तू लिखा। अब सुन, मेरी जितनी भी पड़ोसन है सबको चलाऊंगी, सबको बताऊंगी मेरी बेटी ने ना टॉप किया है पूरे हरियाणा में। अब पूरे मोहल्ले में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ मेरे लड्डू ना जाए। आखिर मेरी बेटी ने टॉप किया है। ठीक है अब मैं जाती हूँ। ठीक है वो जी आ गए। दिखाई तेरे मार्क्स का? मेरे तो 33 नंबर है, पास हो गई बस। मेरे देखे पूरे 100 out of 100। लो जी मिठाई खाओ, मेरी बेटी ने ना पूरे हरियाणा में टॉप किया है। लो जी आप भी खाओ, आप भी खाओ, मेरी बेटी ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी हाँ जी, आप भी लो। अरे बुआ नैन्सी बेटी, अब्बा मैंने तो तुम्हारी अखबार में फोटो देखी, तुमने तो हरियाणा जिले में टॉप किया। हमारे देश में तो ऐसी लड़कियां और भी होनी चाहिए जो हरियाणा जिले में टॉप करे, और ऐसी अच्छी अच्छी पोस्टों पे उनको काम करना चाहिए। ये लो मैं तुमको पैसे देता हूँ। पैसे किस लिए अंकल? अरे तुमने तो हमारे गाँव का नाम रोशन किया है, ये पैसे तो इसलिए दिए ताकि तुम और नाम रोशन कर सको। 200 रुपए? हाँ बेटा जाओ चीज खा लेना इनकी। थैंक यू अंकल। कौन सा लेगी? ये मैं, ये ग्रीन वाले कुरकुरे। रुक जा, इसकी हवा निकली हुई है। ये वाला लूंगी। ये लो भैया। अरे नैन्सी तू यहाँ? तूने तो हमारे पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया है। आज तेरी वजह से मेरे दुकान की बहुत तारीफ होती है। सब यही बोलते हैं कि तुम्हारी दुकान तो वही है ना जहाँ फैंसी नैन्सी का घर है। और तुझे पता है पूरे मोहल्ले में इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं तेरे, आज तुझे पूरी दुनिया जानती है। थैंक यू भैया। इनका बता दो कितने हो गए। अरे पैसे क्या देने, इसको फ्री में ले जा मेरी तरफ से। फ्री में? ठीक है थैंक यू भैया। तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हारे पोस्टर थोड़ा लगे हैं, पैसे दे के जाओ। हाँ कर दिए। यार तेरा सही है, टॉप करके तो तेरे को फायदा हो गया। कोई अंकल तेरे को पैसे दे रहे हैं, कोई अंकल तेरे को फ्री में चिप्स दे रहे हैं। मैं भी फर्रे बना लेती, कम से कम टॉप कर जाती।
टॉप पर तो एक ही होता है ना, और वैसे भी मैं फर्रो से नहीं हुई हूँ, बहुत पढ़ाई करी थी मैंने। तो क्या हो गया, सेकंड टॉपर तो होता है ना, तेरी इतनी बड़ी फोटो लगी है, उसके साइड में मेरी छोटी फोटो लग जाती। तो क्या हो गया, तू टॉप करे मैं टॉप करूँ, एक ही बात है। नैन्सी सुन, तेरी पुरानी क्लास तो खत्म हो गई है और कॉपी किताब भी तेरे काम की नहीं है। एक काम कर, पुरानी क्लास की जो कॉपी किताब है ना उनको इकट्ठा कर, और शाम को कबाड़ी वाला आएगा उसको बेच दियो, और हाँ पैसे ध्यान से ले लियो। कुकर में ना चावल चढ़ा रखे, एक सीटी आते ही बंद कर दियो। और मैं ना, तेरी शीला आंटी है उसने कीर्तन रख रखा है, मैं वहां जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। कबाड़ी वाला ये पर बेच लिए। अंकल इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ अंकल, लेके आती हूँ मैं। हाँ बेटा जल्दी लेके आओ, आज तो मस्त दिहाड़ी होगी रे। ये हो गया अंकल। हाँ ये हो गया बेटा 5 किलो। 5 किलो का हो गया 150 रुपया। ये है बेटा 4.5 किलो, इसका हो गया 125 रुपया। ओ 125 रुपये, इतने कम कैसे ले रहे हो अंकल आप? हाँ नहीं तो इतनी महंगी महंगी किताबें हैं मेरी, देखो ना इतने मोटे मोटे कवर वाली है। अरे बेटा 5-10 रुपया बचता है इसमें, हैं हम भी तो गली गली फेरी लगा कर खरीदता है ना, कुछ ज़्यादा नहीं बचता है इसमें। अच्छा तो आप 130 लगा लो। अच्छा ठीक है 130, इसका टोटल हो गया तुम्हारा 570 रुपया हो गया। 570 बस? अंकल आपको पता भी है 2000 से कम की किताबें नहीं खरीद के लाई थी मैं ये, नहीं तो आप एक काम करो 600 लगा लो, 600 लगा लो। अरे ठीक है हो गए तुम्हारे 600 रुपया। ठीक है बेटा रुक जाओ, मेरी दोस्त को भी बुला लेती हूँ, उसको भी बेचनी है। हाँ काम्या, मैंने वो कबाड़ी वाले अंकल को बुला रखा है, तू अपनी सारी बुक्स लेके आ जा पुरानी। हाँ जितनी भी हो ना सारी ले आइए, नोटबुक्स भी और बुक्स भी। ठीक है ठीक है। आ रही है। और अंकल चाय पानी कुछ लोगे? नहीं बेटा मन तो नहीं है चाय पानी का, लेकिन तुम जिद कर रही है तो पिला दो एक कप। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको मन नहीं है तो जबरदस्ती मत पियो। मन किसका नहीं करता बेटा, मिलेंगे मिलेंगे। तो वैसे ही पूछ लिया था। लाई अंकल। कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी। आ गए बेटा? जी अंकल ये लो। आ गई है? हाँ, ये लो अंकल। धन्यवाद बेटा। चलो आप वजन करते हैं। वाह 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 बेटा वाह, पूरा 10 किलो है, 10 किलो। 10 किलो तुम्हारे हो गए 360 और तुम्हारे 600 बेटा 960 रुपये हो गए। अंकल पूरे 1000 ही कर लो ना। ना ना बेटा ना, अब नहीं होगा, देखो 2 बार मैं पहले कर चुका हूँ, अब नहीं। 40 रुपये तो कम है, मिला लो उसमें। नहीं होगा। अच्छा रुको थोड़ा सा और सामान है मेरे घर में, आती हूँ। हाँ हाँ बेटा जल्दी लेके आओ। कर लो ना अंकल। नहीं होगा बोल रहा हूँ ना, वरना तेरे को लेके जाऊंगा कट्टे में डाल के, समझ गई? अब हो जाएगा बेटा, 15 चाहिए 15 चाहिए 30 रुपये, इसका मतलब हो गए 990। 10 रुपये अभी कम है। चलो तुम बच्चों को ना डिस्काउंट दे देता हूँ 10 रुपये। ठीक है हो गए तुम्हारे 1000। ये हो गए 100 रुपये, 50 600, ये लो बेटा 1000 रुपये, तुम आपस में बांट लेना ठीक है। अब मैं चलता हूँ बेटे, ये पकड़ो तुम्हारा कप। बेटा डलवाओ डलवाओ डलवाओ। ओए 1000 रुपये आ गए, वाह। अब देख सुन,
हम दोनों के कितने हो गए 500 रुपए, उसमें से ना तू 300 रुपए अपनी मम्मी को दे दियो और 200 रुपए अपने पास रख लियो, ठीक है? और मैं भी अपनी मम्मी को 300 रुपए दूंगी, 200 रुपए अपने पास रख लूंगी। हाँ यार, नहीं गंदी बात होती है ऐसे करना, मम्मी को पता लग गया तो। अरे यार क्या मम्मी को पता लग गया तो, हमने पूरे साल भर इन किताबों से मेहनत करी है, इतने पढ़े लिखे हम, अब इतना हक तो हमारा बनता है ना कि 200 रुपए रख लें। हाँ और क्या, अंकल के साथ हमने इतनी मेहनत करके तो रेट बढ़वा के ज्यादा पैसे लिए है ना। ठीक है चल। ठीक है ये पकड़, ये ले तेरे, ये रख ले, इसमें से दे दी अपनी मम्मी को, मैं ले जाऊँ। मम्मी मेरे को नई क्लास की ना बुक्स लेके आनी है, पैसे दे दो। ठीक है। ये ले 1000 रुपए। ठीक है मम्मी, अगर कम पड़ेंगे ना तो ऑनलाइन भेज देना आप। ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके। मस्त मस्त सामान है ना। चलो जो लेने आए ना वो ले लेते हैं। आंटी 8th क्लास की बुक्स दे दो। हाँ और नोटबुक्स भी दे देना, वो लाइनों वाली। हाँ और मेरे को तो ना रजिस्टर दे दो कलरफुल पेज वाले, कलरफुल मैथ्स की भी दे देना, और वो वाली प्लेन पेज वाली भी दे दो एक, और वो शीट्स भी दे देना, फाइल बनाने के काम आएगी। अभी थोड़ी आएगी काम, ले लेते हैं ना। क्या हो गया? नहीं मैं तो बाद में लूंगी। ड्राइंग वाली भी निकाल दो, एक मेरे को ग्रीन पेन दे दो, एक रेड पेन दे दो और एक ब्लू पेन दे दो, और मेरे को भी वही दे दो जिसको दे रहे हो। हाँ एक स्केच पेन का पैकेट भी दे दो। और क्या चाहिए? ओए पार्कर पेन। हाँ यार ये तो बहुत महंगा आता है। अरे तो महंगा आता है तो क्या हुआ, आज सुबह तो कमाए हमने कबाड़ी वाले भैया से, ले ले एक एक। हाँ पार्कर पेन ले लेते, पूरी क्लास में हमारी हवा बन जाएगी। कह रही है जेब में टांग के घूमूंगी। आंटी पार्कर पेन भी दे दो, दो दे दो। मेरा तो मन कर रहा है सब ले लूं यहाँ से। आज देख के आते अंदर। आंटी हम अंदर सामान देख रहे हैं। और यार कितना सुंदर सुंदर सामान है ना। हाँ पिंक पिंक सब। ये देख स्टिकर वाली बुक, ओ तू ले ले और मेरे से शेयर कर लियो। नहीं ओए 50 रुपीज की है, मेरी मम्मी मना करती है। 50 ज्योमेट्री बॉक्स ले ले। नहीं ले लेते ये वाली। नहीं मैं तो पिंक कलर की लूंगी। यार मेरे को भी पिंक लेनी थी पर अभी नहीं लूंगी, मैं मेरी मम्मी के साथ आऊंगी ना तब लूंगी। ये देख पूरी अटैच ही है। मैं तो ना जब मम्मी के साथ आऊंगी ना तो एक ये पिंक वाली ज्योमेट्री लेके जाऊंगी, और वो देख वो टेडी बियर वाली बोतल भी लेके जाऊंगी। ओए कैमरा, कितना सुंदर स्कूल बैग है पिंक कलर का। हाँ मैं तो यही वाला लेके जाऊंगी, मेरे को पसंद आ गया। मम्मी क्या कर रहे हो? दूध गर्म कर रही हूँ। अच्छा वो मम्मी मैं क्या कह रही थी ना कि देखो अब मैं नई क्लास में आ गई हूँ तो मेरा सिलेबस भी नया होगा, मेरी टीचर भी नहीं होगी, क्लास के बच्चे भी नहीं होंगे, पढ़ाई भी नहीं होगी, तो क्यों ना नई यूनिफॉर्म भी ले ले। नई यूनिफॉर्म? अरे 2 साल पहले दिलाई थी ना, 2 नंबर बड़ा दिलवाया था मैंने, अब तो बिल्कुल फिट आएगा, उसको ही पहन लियो। अरे मम्मी यार मैं नहीं पहन रही वो पुरानी वाली यूनिफॉर्म, 2 साल पुरानी हो चुकी है। आपको पता भी है अब मैं पहले वाली नैंसी नहीं रही, मैं टॉपर नैंसी बन चुकी हूँ, हरियाणा के टॉपर। आपको पता है जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना मैं, सारे मेरे को कहते हैं वो देखो टॉपर आ रही है, मुक्ता की बेटी टॉपर आ रही है। अब जब वो देखेंगे कि बताओ मुक्ता की बेटी ऐसे कपड़े पहन के जा रही है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छे से बन ठन के नए कपड़े पहन के जाएगी और तब भी तो आपका नाम होएगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि क्या है नई यूनिफॉर्म भी नहीं दिला सकती अपनी बेटी को, है ना मम्मी? तो नई यूनिफॉर्म दिला दो। मलाई चिपकाने की जरूरत नहीं है, मैं दिला दूंगी। ठीक है तो मम्मी जो यूनिफॉर्म दिला रहे थे एक नया बैग भी दिला देना। बैग चाहिए? वो भी नया, थप्पड़ नहीं लगा दो तुझे, ये तो डिमांडें बढ़ती जा रही है। चल ठीक है कोई बात नहीं, एक बार दुकान पे तो चले बैग के लिए बना लूं। अह
अरे अजय, आज तो यहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरी शॉप पे कौन है? अरे वहाँ छोटा भाई बैठा है। चल ठीक है, नैन्सी के लिए स्कूल की ड्रेस दिखा दे। ठीक है आंटी, अभी दिखाता हूँ। ये देखो। हाँ मम्मी, ये वाली सही है, बिल्कुल फिटिंग की आएगी मेरे। देखो। चुप कर, फिटिंग की आएगी, दो नंबर बड़ा ले। बड़ा क्यों? अरे आगे 2 साल की तो चलेगी ना। अब मम्मी क्या है यार, आप हर साल मेरे को बड़ी बड़ी ड्रेस दिला देते हो। देख ये ठीक है। क्या ठीक है मम्मी, जल्दी सी लगती मैं इतनी बड़ी बड़ी ड्रेस में। अच्छा मैं हर साल तेरे को नई थोड़ी ना दिलाऊंगी, यही ठीक है। भैया तुम इसको पैक करो। स्कर्ट का तो देख लूं साइज। ओए ये तो बहुत लंबी है, इतनी लंबी स्कर्ट थोड़ी ना लेंगे। भैया छोटा साइज दिखाओ, मिनी मिनी स्कर्ट। अच्छा दिखाता हूँ। अच्छा बनाऊं तेरे को? उर्फी जावेद चुपचाप यही पहन लियो। भैया तुम यही पैक कर दो। मुझे क्या, मैं सिलवा के उच्ची करवा लूंगी। और क्या कह रही? कुछ नहीं मम्मी, वो आपने कहा था बैग भी दिलाओगे। बैग बैग क्या करेगी, पिछले साल तो ले आई था। अब मम्मी ना, मम्मी बैग दिला दो, मैं फर्स्ट आई हूँ पूरे के पूरे हरियाणा में। आपका इतना नाम रोशन करा है, मैंने बैग नहीं दिला सकते मेरे को। रुक जा रुक जा रुक जा, दिला रही हूँ पहले, हाथ छोड़। अरे भैया इसका बैग और दिखा दे एक बार। ओ भैया वो जो ऊपर पिंक कलर का बैग नहीं था वो दिखा दो। ये देखो आंटी, यूनिकॉर्न वाला बैग। ये नहीं था, दूसरा। अच्छा ये देखो, फुल रेड बैग है ये। रेड वाला बैग नहीं चाहिए मेरे को, पिंक कलर का ही चाहिए। देखिए रहा, यही वाला बैग था वो। अरे आंटी इतना सोचो मत, सबसे ज्यादा बिकने वाला बैग है ये। यही है? हाँ मम्मी मेरे को बहुत पसंद आया था ये वाला बैग। ये ले लो भैया, ये वाला पैक कर दो। रुक जा भैया रुक जा, 1000 रुपए का है, तू पागल हो गया क्या? भैया कोई सस्ता सा दिखा दो। 1000 रुपए के बैग लेगी? बस मम्मी कर दी यही बात, मैंने आपका पूरे शहर में इतना नाम करा है, आज आपको सब मेरे नाम से जानते हैं, मेरे इतनी बड़ी बड़ी फोटोएं लगी हुई है, और आप थोड़े से पैसों के लिए। अरे क्या महंगा है, दिला दो, इतना नाम रोशन किया पूरे मोहल्ले का, आपका तो किया ही है और हमारा भी किया है। भैया ये पास क्या हो गया, इसने तो ना मेरे सिर पे बैठना स्टार्ट कर दिया है। पास नहीं हुई मम्मी, मैं फर्स्ट आई हूँ, वो भी पूरे के पूरे हरियाणा में। ठीक है बाबा ले ले। ये लो भैया, ये वाला पैक कर दो। कितने हो गए भैया? पैसे टोटल हो गए 2000। लो भैया 2000 रुपए। मैं तो अपना बैग पकड़ के लेके जाऊंगी। चल ठीक है अजय, मैं चलती हूँ। भगवान जी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ना मैंने पिछली क्लास में पूरे स्टेट में टॉप किया था, और मेहनत भी करी थी, और आपका आशीर्वाद भी था। तो आप इस साल भी ना मेरे को अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक है, ताकि मैं इस साल भी बहुत अच्छे मार्क्स लाऊं और टॉप करूं। थैंक यू सो मच। पर मेरे को ना बहुत एक्साइटमेंट होती नई क्लास में आने की। मेरे को नहीं हो रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। अरे बस 3 ही बच्चे आए? यस मैम, आज तो 3 ही बच्चे आए हम। पहले दिन शायद सारे बच्चों ने छुट्टी कर ली। फर्स्ट डे भी इतने एब्सेंट, पता नहीं फर्स्ट डे क्यों नहीं आते बच्चे। चलो अपनी अपनी बुक्स निकालो सब लोग। अब मैम आज तो हम बस 3 ही बच्चे आए हैं, तो आज आप पढ़ाई मत करवाओ ना प्लीज़ मैम प्लीज़। वैसे भी आधे बच्चों की तो फिर पढ़ाई छूट ही जाएगी। चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है तुम्हारी। तो चलो एक काम करते हैं, आज ये न्यू स्टूडेंट आए अंकुश, तो इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अंकुश प्लीज स्टैंड अप। यस मैम, माय नेम इज बादरुगढ़ हरियाणा, ओ सॉरी अंकुश, एंड आई लिव इन बादरुगढ़, एंड आई स्टडी इन त्रिवेणी मेमोरियल स्कूल, एंड माय फादर ट्रांसफर हैज गोन एंड कम इन दिस स्कूल। ओके गुड, सिट डाउन सिट डाउन। तुम लोग खेलने जाओ, मैं इतना स्टाफ रूम का काम अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, और हाँ कोई भी शैतानी नहीं करना। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके गुड। ओए अंकुश। हाँ। हाय माय नेम इज नैन्सी। हेलो काम्या। कहाँ से आया है तू, कौन से स्कूल में पढ़ता था पहले? मैं ना दुबई से आया हूँ, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। अच्छा
वहाँ पे तो फिर सब इंग्लिश बोलते होंगे। हाँ ऑल इंग्लिश, फिर तू क्यों नहीं बोलता? अरे वो क्या है ना, जब माँ इंग्लिश सिखा रहे थे तब मैं इंडिया आ गया था। अच्छा चल, तेरे को ना अपने स्कूल का पूरा इंट्रोडक्शन देती हूँ, ठीक है? हमें ना मैथ्स पढ़ाते हैं हमारे सर, जिनका नाम है राजेश सर, और इंग्लिश वाली हमारी मैम है, सेक्सी है, एक नंबर की, बहुत सुंदर लगती है मैम, पता है? हाँ, और हमें हिंदी वाली मैम पढ़ाती है, हिंदी वाली मैम स्ट्रिक्ट है, और ये वाली मैम, ये जो मैम गई ना, ये हमारी साइंस की मैम है और ये हमारी क्लास टीचर है, और ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बताऊँ किस चीज़ में? लंच बॉक्स के चक्कर में। मैम ना बहुत डांटती है अगर जो बच्चा लंच बॉक्स नहीं लेके आता है, क्योंकि मैम कहती है कि ना जो बच्चा खाना नहीं खाता ना घर का, उसके पेट में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, इसलिए जब जो भी बच्चा लंच नहीं लाता ना, मैम पिटाई करती है उसकी। और क्या बताएं इसको हमारे स्कूल के बारे में। और हाँ, जो हमारी इंग्लिश वाली मैम है ना, वो बोलती है कि इंग्लिश ही बोलना मैंडेटरी है, जहाँ भी जो भी बच्चा अगर हिंदी बोल देता है ना उनके सामने, तो हो गया। अरे हमारे डायरेक्टर सर भाई सब इतना मारते हैं ना, वो पता भी है तेरे को, जो भी टीचर होती है ना सब उन्हीं सर को कंप्लेंट करती है, बहुत मारते हैं वो। हमारे स्कूल में ना भूत है, भूत। क्या यहाँ पे भूत है? हाँ देखो, किसी ने बताया नहीं क्या एडमिशन लेते टाइम? नहीं मेरे को नहीं बताया, भूत है। अरे पागल मजाक कर रही है वो। तेरे को तो ऐसी डरा रही थी मैम वो। और तूने हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड देखा है? नहीं। चल आ जा, तेरे को दिखा के लाते हैं, फुटबॉल खेलेंगे वहां। चलो ये फुटबॉल खेलेंगे, चलो। चल घर चले। ओए, मेरा बैग खाली कैसे लग रहा है? मैं तो एक नोटबुक लेके आई थी, नई वाली मेरी फेवरेट। मेरी नोटबुक कहाँ गई? देख यहाँ पे होगी नीचे। नहीं है यार, आज तो बच्चे भी नहीं आए। तो किसने ली फिर? पता नहीं यार, मेरी अच्छी वाली नोटबुक थी, वो दुकान पे एक ही बची थी। चल कोई नहीं, मैम से कंप्लेन कर देंगे हम। यार मैम से कंप्लेन तो ठीक है, मेरी मम्मी तो डांटेगी ना, क्या करें? चल गार्ड अंकल को बोल देंगे, अगर कोई नोटबुक मिलेगी ना तो रख लेंगे। ठीक है। यार मेरी नई की नई नोटबुक खो गई यार, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तो क्या हो गया, नई ले लियो ना फिर। कहाँ से ले लूँ नई, फ्री में थोड़ी ना आती है, वो मेरी फेवरेट थी, दुकान पे भी एक ही बची हुई थी, पता नहीं किसने निकाल ली मेरे बैग से, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ओए तो गुड्डू है ना हमारी क्लास का। हाँ इसकी जेब में देख, मेरे को वो अपनी नोटबुक लग रही है। हाँ देखेंगे। मेरी नोटबुक? ओ तेरी नोटबुक कहाँ से आ गई? मेरी नोटबुक है ये। मुझे क्या पता क्यों लेगा तू मेरी नोटबुक, पर ये मेरी नोटबुक है। अरे हाँ जरूर, हम दोनों की नोटबुक सेम होगी। अच्छा अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी पता लग जाएगा किसकी नोटबुक है ये। मैंने ना अपनी नोटबुक के पहले पेज में जय श्री राम लिखा था। ये देख जय श्री राम। अरे मेरी नोटबुक में भी जय श्री राम लिखा हुआ था। अच्छा तेरी पे भी लिखा था? रुक जा, अब तो गया। एक तो तेरा पहले दिन है स्कूल का, और पहले दिन आते ही तो चोरियां कर रहे हैं स्कूल में, हैं? झूठे, बहुत चोर दे छोटे। तो उसे जितना ठोसना है ठोस ले लेते हैं। यार ये कितना मस्त लगता है, इससे ज्यादा वो दूसरे वाला मस्त लगता है, हैंडसम। पर मेरे को ज्यादा ये पसंद है। कहीं का इनकी स्किन कितनी क्लियर है यार। सच में यार, क्या हुआ क्या हुआ? चरांगी चरांगी ज़्यादा।
हेलो मैम। अरे मैडम आप? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी मैडम बोलिए, कुछ चाय पानी लेके आऊँ? नहीं नहीं मैम, थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली मुझे आपके बेटी के बारे में बात करना था। आज ही ना प्रिंसिपल सर ने मुझे कॉल करके बोला कि आज ही तुम्हें नैन्सी के घर पे जाना है और उनके पेरेंट्स को बताना है कि आपकी बेटी को स्कॉलरशिप दी जा रही है स्कूल की तरफ से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उसने पूरे हरियाणा में टॉप किया है। और ना ही सिर्फ आपका नाम रोशन किया है बल्कि हमारे स्कूल का नाम भी रोशन किया है। आपको पता है ये स्कॉलरशिप ना बहुत रेयर मिलती है किसी बच्चे को, और उसके लिए आपकी बेटी को सेलेक्ट किया गया है, तो इसलिए उसको हम लोग दिल्ली के स्कूल में प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कूल है और वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल्स में से एक है, और इंडिया का तो टॉप स्कूल है ही वो। अरे मैडम ये तो बहुत खुशी की बात है, मैंने तो उस स्कूल का नाम बहुत सुना है, वो तो बहुत ही पॉपुलर है। उस स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे को 12th के बाद जर्मनी भेज दिया जाता है आगे की स्टडीज के लिए, तो स्कॉलरशिप नैन्सी को दी जा रही है। हाँ मैम ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मैम हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार बेटी से ही पूछ लेती हूँ कि उसकी क्या इच्छा है। नैन्सी? हाँ मम्मी, आ रही हूँ। रुक जा मैं आती हूँ। तू देख, देखियो मत, तू स्टॉप रखियो, जल्दी आइयो। जी मम्मी। मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा तुम्हारी मैम है ना, तुमसे कुछ पूछना चाहती है। यस मैम बोलिए। देखूँ मैं अभी कौन आया है। सो नैन्सी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट क्लास में अपनी, तो इसलिए आपको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है जिसमें आप दिल्ली जाके पढ़ोगे। आपको प्रमोट किया जा रहा है दिल्ली के स्कूल में जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है, तो आप लाखों बच्चों में से वो एक स्टूडेंट हो जिसको ये स्कॉलरशिप मिल रही है। सो आई थिंक आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। मैम मम्मी मुझे थोड़ी देर का टाइम दो सोचने के लिए प्लीज। हाँ हाँ श्योर बेटा। मम्मी मैं अभी आती हूँ, आप तब तक चाय पिला दो मैम को। यार मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही है, तूने तो सुन ही ली ना सारी मैम की बातें। तुझे कैसे पता? मुझे पता है, तो देख रही थी। अब तो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी तेरे को छोड़ के कहीं पे भी। हाँ नहीं तो अच्छा भला, मेरा मन लगा हुआ है इस स्कूल में, और वैसे भी दूसरे स्कूल में कैसे मन लग जाएगा मेरा तेरे बिना, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। पर यार तेरे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये किसी भी बच्चे को नहीं मिलती, वो सिर्फ तेरे को मिली है, तो मुझे लगता है तेरे को जाना चाहिए। मुझे पता है यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो दोबारा भी आ जाएगी, लेकिन तेरे जैसी दोस्त थोड़ी ना आएगी दोबारा। मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी, और वैसे भी अगर मैं तेरे से दूर रही ना तो मैं पढ़ूंगी कैसे, तेरी वजह से तो मेरा मन लगता है पढ़ाई में भी, इसलिए मैं तेरे साथ ही रहूंगी। मेरे को नहीं चाहिए कोई स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप पक्का। So Nancy, what have you decided? मैम थैंक यू, आपने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मैं खुद को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, पर मैम मैं दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहती। अपना घर, अपने फ्रेंड्स, अपने मम्मी पापा को छोड़ के, आपको पता है मैं स्टडीज़ में इतना अच्छा क्यों कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच रहती हूँ जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और इन सब से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। अगर मैं इन सब से दूर चली गई तो मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा इनके बिना, फिर मैं कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी। इसलिए मैम मुझे नहीं जाना दिल्ली के स्कूल में, मुझे अपने घर पर अपनी मम्मी के साथ और अपनी फ्रेंड काम्या के साथ रहना है, मुझे इनके साथ रह के ही अच्छा लगता है, और इसलिए मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ, इसलिए सॉरी मैम। वेरी गुड बेटा, इनफैक्ट बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके, आपकी एज के स्टूडेंट के बहुत कम ऐसे थॉट्स होते हैं,
मुझे सीरियसली आपके थॉट्स बहुत पसंद आए। अरे मैम आप इतना सीरियस मत होइए, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है नैन्सी का। बहुत कम बच्चे होते हैं जो फैमिली फ्रेंड्स और स्टडी को साथ लेकर चलते हैं, तो इसकी तो बहुत अच्छी सोच है, आपके बहुत अच्छे संस्कार है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली और पढ़ाई को साथ लेकर चल रहे हो, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहो यहीं पे और मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू मैम।